इस वीडियो में हम टीम इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल पांच कैप्टन कपिल देव, सौरभ गांगुली, एमएस धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच टेस्ट, ओडीआई, T20I, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और एशिया कप के कैप्टनसी रिकॉर्ड्स कंपेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं उनके कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। कपिल देव का जन्म 1959 में चंडीगढ़ में हुआ था। सौरभ गांगुली का जन्म 1972 में कलकत्ता में हुआ था। एमएस धोनी का जन्म 1981 में रांची में हुआ था। विराट कोहली का जन्म 1988 में दिल्ली में हुआ था और रोहित शर्मा का जन्म 1987 में नागपुर में हुआ था। कपिल देव की करंट एज 65, सौरभ गांगुली की करंट एज 51, एमएस धोनी की करंट एज 42, विराट कोहली की करंट एज 35 और रोहित शर्मा की करंट एज 36। कपिल देव की हाइट 6 फीट और वेट 80 kg। सौरभ गांगुली की हाइट 5 फीट 11 इंच और वेट 68 kg। एमएस धोनी की हाइट 5 फीट 9 इंच और वेट 75 kg। विराट कोहली की हाइट 5 फीट 9 इंच और वेट 70 kg और रोहित शर्मा की हाइट 5 फीट 8 इंच और वेट 72 kg। कपिल देव ने 1978 में आईसीसी डेब्यू किया। सौरभ गांगुली ने 1992 में आईसीसी डेब्यू किया। एमएस धोनी ने 2004 में आईसीसी डेब्यू किया। विराट कोहली ने 2008 में आईसीसी डेब्यू किया और रोहित शर्मा ने 2007 में आईसीसी डेब्यू किया। कपिल देव टीम इंडिया के फॉर्मर कैप्टन एंड ऑलराउंडर है। सौरभ गांगुली टीम इंडिया के फॉर्मर कैप्टन एंड बैट्समैन है। एमएस धोनी टीम इंडिया के फॉर्मर कैप्टन एंड विकेट कीपर बैट्समैन है। विराट कोहली टीम इंडिया के फॉर्मर कैप्टन एंड बैट्समैन है और रोहित शर्मा टीम इंडिया के करंट कैप्टन एंड बैट्समैन है। कपिल देव राइट हैंडेड बैट्समैन और राइट आर्म फास्ट बॉलर है। सौरभ गांगुली लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। एमएस धोनी राइट हैंडेड बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। विराट कोहली भी राइट हैंडेड बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है और रोहित शर्मा राइट हैंडेड बैट्समैन और राइट आर्म स्पिनर है। आप बात करते हैं उनका टेस्ट कैप्टनसी रिकॉर्ड्स के बारे में। कपिल देव ने 1983 से 1987 तक कुल 34 मैचों में कैप्टनसी की। सौरभ गांगुली ने 2000 से 2005 तक कुल 49 मैचों में कैप्टनसी की। एमएस धोनी ने 2008 से 2014 तक कुल 60 मैचों में कैप्टनसी की। विराट कोहली ने 2014 से 2022 तक कुल 68 मैचों में कैप्टनसी की और रोहित शर्मा ने 2022 से अब तक कुल 16 मैचों में कैप्टनसी की। कपिल देव ने कुल 4 मैच जीते और रन रेट 11.75। सौरभ गांगुली ने कुल 21 मैच जीते और रन रेट 42.85। एमएस धोनी ने कुल 27 मैच जीते और रन रेट 45। विराट कोहली ने कुल 40 मैच जीते और रन रेट 58.80 और रोहित शर्मा ने कुल 10 मैच जीते और रन रेट 62.50। कपिल देव ने कुल 7 मैच हारे और लॉस्ट रेट 20.60। सौरभ गांगुली ने कुल 13 मैच हारे और लॉस्ट रेट 26.30। एमएस धोनी ने कुल 18 मैच हारे और लॉस्ट रेट 30। विराट कोहली ने कुल 17 मैच हारे और लॉस्ट रेट 25 और रोहित शर्मा ने कुल 4 मैच हारे और लॉस्ट रेट 25। कपिल देव ने 22 मैच ड्रॉ और 1 मैच टाई किया। सौरभ गांगुली ने 15 मैच ड्रॉ किया। एमएस धोनी ने 15 मैच ड्रॉ किया। विराट कोहली ने 11 मैच ड्रॉ किया और रोहित शर्मा ने 2 मैच ड्रॉ किया। आप बात करते हैं उनके ओडीआई कैप्टनसी रिकॉर्ड्स के बारे में। कपिल देव ने 1982 से 1987 तक कुल 74 मैचों में कैप्टनसी की। सौरभ गांगुली ने 1999 से 2005 तक कुल 146 मैचों में कैप्टनसी की। एमएस धोनी ने 2007 से 2018 तक कुल 200 मैचों में कैप्टनसी की। विराट कोहली ने 2013 से 2021 तक कुल 95 मैचों में कैप्टनसी की और रोहित शर्मा ने 2017 से अब तक कुल 45 मैचों में कैप्टनसी की। कपिल देव ने कुल 39 मैच जीते और रन रेट 52.70। सौरभ गांगुली ने कुल 76 मैच जीते और रन रेट 52.05। एमएस धोनी ने कुल 110 मैच जीते और रन रेट 55। विराट कोहली ने कुल 65 मैच जीते और रन रेट 68.40 और रोहित शर्मा ने कुल 34 मैच जीते और रन रेट 75.55। कपिल देव ने कुल 33 मैच हारे और लॉस्ट रेट 44.60। सौरभ गांगुली ने कुल 65 मैच हारे और लॉस्ट रेट 44.50। एमएस धोनी ने कुल 74 मैच हारे और लॉस्ट रेट 37। विराट कोहली ने कुल 27 मैच हारे और लॉस्ट रेट 28.40 और रोहित शर्मा ने कुल 10 मैच हारे और लॉस्ट रेट 22.25। कपिल देव के 2 मैच के रिजल्ट नहीं मिले है। सौरभ गांगुली की 5 मैच के रिजल्ट नहीं मिले है। एमएस धोनी ने 5 मैच टाई की और 11 मैच के रिजल्ट नहीं मिले है। विराट कोहली ने 1 मैच टाई की और 2 मैच के रिजल्ट नहीं मिले है और रोहित शर्मा की 1 मैच की रिजल्ट नहीं मिली है। आप बात करते हैं उनके T20I कैप्टनसी रिकॉर्ड्स के बारे में। एमएस धोनी ने 2007 से 2016 तक कुल 72 मैचों में कैप्टनसी की।
विराट कोहली ने 2017 से 2021 तक कुल 50 मैचों में कैप्टनसी की और रोहित शर्मा ने 2017 से 2024 तक कुल 62 मैचों में कैप्टनसी की। MS धोनी ने कुल 41 मैच जीते और विनिंग रेट 56.95, विराट कोहली ने कुल 30 मैच जीते और विनिंग रेट 60 और रोहित शर्मा ने कुल 49 मैच जीते और विनिंग रेट 79.05। MS धोनी ने कुल 28 मैच हारे और लॉस्ट रेट 38.90, विराट कोहली ने कुल 16 मैच हारे और लॉस्ट रेट 32 और रोहित शर्मा ने कुल 12 मैच हारे और लॉस्ट रेट 19.35। MS धोनी ने एक मैच टाई किया और दो मैच के रिजल्ट नहीं मिले है। विराट कोहली ने दो मैच टाई किया और दो मैच के रिजल्ट नहीं मिले है और रोहित शर्मा ने एक मैच टाई किया। आप बात करते हैं उनके अक्रॉस ऑल फॉर्मेट के कैप्टनसी रिकॉर्ड्स के बारे में। कपिल देव ने 1982 से 1987 तक कुल 108 मैचों में कैप्टनसी की। सौरभ गांगुली ने 1999 से 2005 तक कुल 195 मैचों में कैप्टनसी की। MS धोनी ने 2007 से 2018 तक कुल 332 मैचों में कैप्टनसी की। विराट कोहली ने 2013 से 2022 तक कुल 213 मैचों में कैप्टनसी की और रोहित शर्मा ने 2017 से 2024 तक कुल 123 मैचों में कैप्टनसी की। कपिल देव ने कुल 43 मैच जीते और विन रेट 39.80। सौरभ गांगुली ने कुल 97 मैच जीते और विन रेट 49.75। MS धोनी ने कुल 178 मैच जीते और विन रेट 53.60। विराट कोहली ने कुल 135 मैच जीते और विन रेट 63.40 और रोहित शर्मा ने कुल 93 मैच जीते और विन रेट 75.60। कपिल देव ने कुल 40 मैच हारे और लॉस्ट रेट 37.05। सौरभ गांगुली ने कुल 78 मैच हारे और लॉस्ट रेट 40। MS धोनी ने कुल 120 मैच हारे और लॉस्ट रेट 36.15। विराट कोहली ने कुल 60 मैच हारे और लॉस्ट रेट 28.15 और रोहित शर्मा ने कुल 26 मैच हारे और लॉस्ट रेट 21.15। कपिल देव ने 22 मैच ड्रॉ और एक मैच टाई किया। सौरभ गांगुली ने 15 मैच ड्रॉ किया। MS धोनी ने 15 मैच ड्रॉ और 6 मैच टाई किया। विराट कोहली ने 11 मैच ड्रॉ और 3 मैच टाई किया और रोहित शर्मा ने 2 मैच ड्रॉ और 1 मैच टाई किया। कपिल देव की 2 मैच की रिजल्ट नहीं मिली है। सौरभ गांगुली की 5 मैच, MS धोनी की 13 मैच, विराट कोहली की 4 मैच और रोहित शर्मा की 1 मैच की रिजल्ट नहीं मिली है। आप बात करते हैं उनके वर्ल्ड कप कैप्टनसी रिकॉर्ड्स के बारे में। कपिल देव ने 1983 से 1987 तक कुल 15 मैचों में कैप्टनसी की। सौरभ गांगुली ने 2003 में कुल 11 मैचों में कैप्टनसी की। MS धोनी ने 2011 से 2015 तक कुल 17 मैचों में कैप्टनसी की। विराट कोहली ने 2019 में कुल 9 मैचों में कैप्टनसी की और रोहित शर्मा ने 2023 में कुल 11 मैचों में कैप्टनसी की। कपिल देव ने कुल 11 मैच जीते और विन रेट 73.35। सौरभ गांगुली ने कुल 9 मैच जीते और विन रेट 81.80। MS धोनी ने कुल 14 मैच जीते और विन रेट 82.35। विराट कोहली ने कुल 7 मैच जीते और विन रेट 77.75 और रोहित शर्मा ने कुल 10 मैच जीते और विन रेट 90.90। कपिल देव ने कुल 4 मैच हारे और लॉस्ट रेट 26.65। सौरभ गांगुली ने कुल 2 मैच हारे और लॉस्ट रेट 18.20। MS धोनी ने कुल 2 मैच हारे और लॉस्ट रेट 11.75। विराट कोहली ने कुल 2 मैच हारे और लॉस्ट रेट 22.25 और रोहित शर्मा ने 1 मैच हारे और लॉस्ट रेट 9.10। कपिल देव ने एक बार वर्ल्ड कप टाइटल जीती है। सौरभ गांगुली ने एक बार रनर्स अप रहे। MS धोनी ने एक बार वर्ल्ड कप टाइटल जीते है। विराट कोहली 0 और रोहित शर्मा ने एक बार रनर्स अप रहे। आप बात करते हैं उनके T20 वर्ल्ड कप के कैप्टनसी रिकॉर्ड्स के बारे में। MS धोनी ने 2007 से 2016 तक कुल 33 मैचों में कैप्टनसी की। विराट कोहली ने 2021 में कुल 5 मैचों में कैप्टनसी की और रोहित शर्मा ने 2022 से 2024 तक कुल 14 मैचों में कैप्टनसी की। MS धोनी ने कुल 20 मैच जीते और विन रेट 60.60। विराट कोहली ने कुल 3 मैच जीते और विन रेट 60 और रोहित शर्मा ने कुल 12 मैच जीते और विन रेट 85.70। MS धोनी ने कुल 11 मैच हारे और लॉस्ट रेट 33.30। विराट कोहली ने कुल 2 मैच हारे और लॉस्ट रेट 40 और रोहित शर्मा ने कुल 2 मैच हारे और लॉस्ट रेट 14.30। MS धोनी ने एक बार T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीते और एक बार रनर्स अप रहे। विराट कोहली 0 और रोहित शर्मा ने एक बार T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीते है। आप बात करते हैं उनके चैंपियन ट्रॉफी के कैप्टनसी रिकॉर्ड्स के बारे में। सौरभ गांगुली ने 2000 से 2004 तक कुल 11 मैचों में कैप्टनसी की। MS धोनी ने 2009 से 2013 तक कुल 8 मैचों में कैप्टनसी की और विराट कोहली ने 2017 में कुल 5 मैचों में कैप्टनसी की। सौरभ गांगुली ने कुल 7 मैच जीते और विन रेट 63.65। MS धोनी ने कुल 6 मैच जीते और विन रेट 75 और विराट कोहली ने कुल 3 मैच जीते और विन रेट 60। सौरभ गांगुली ने कुल 2 मैच हारे और लॉस्ट रेट 18.20। MS धोनी ने कुल 1 मैच हारे और लॉस्ट रेट 12.50।
পরে বিরাট কোহলি না দু ম্যাচ হারে আর রোস্টেড 40। সৌরভ গাঙ্গুলি না একবার চ্যাম্পিয়ন ট্রফি টাইটেল জিতে আর একবার রানার্স আপ রে হ্যাঁ। এম এস ধোনি না একবার চ্যাম্পিয়ন ট্রফি টাইটেল জিতি হ্যাঁ, পরে বিরাট কোহলি না একবার রানার্স আপ রে হ্যাঁ। আর বাত করতে হ্যাঁ উনকে ওল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ক্যাপ্টেন্সি রেকর্ডস কে বারে মে। বিরাট কোহলি না 2019 সে 2022 তক কুল 22 ম্যাচ মে ক্যাপ্টেন্সি কি, পর রোহিত শর্মা না 2022 সে 2024 তক কুল 16 ম্যাচ মে ক্যাপ্টেন্সি কি। বিরাট কোহলি না কুল 14 ম্যাচ জিতে রুইন রেট 63.65, পর রোহিত শর্মা না কুল 10 ম্যাচ জিতে রুইন রেট 62.50। বিরাট কোহলি না কুল 7 ম্যাচ হারে লোস্ট রেট 31.80, পর রোহিত শর্মা না কুল 4 ম্যাচ হারে লোস্ট রেট 25। বিরাট কোহলি না একবার রানার্স আপ রে হ্যাঁ, পর রোহিত শর্মা ভি একবার রানার্স আপ রে হ্যাঁ। আর বাত করতে হ্যাঁ উনকে এশিয়া কাপ ক্যাপ্টেন্সি রেকর্ডস কে বারে মে। সৌরভ গাঙ্গুলি না 2000 সে 2004 তক কুল 9 ম্যাচ মে ক্যাপ্টেন্সি কি। এম এস ধোনি না 2008 সে 2018 তক কুল 14 ম্যাচ মে ক্যাপ্টেন্সি কি। বিরাট কোহলি না 2014 মে কুল 4 ম্যাচ মে ক্যাপ্টেন্সি কি, পর রোহিত শর্মা না 2018 সে 2023 তক কুল 11 ম্যাচ মে ক্যাপ্টেন্সি কি। সৌরভ গাঙ্গুলি না কুল 4 ম্যাচ জিতে আর উইন রেট 44.45, এম এস ধোনি না কুল 9 ম্যাচ জিতে আর উইন রেট 64.30, বিরাট কোহলি না কুল 2 ম্যাচ জিতে আর উইন রেট 50, পর রোহিত শর্মা না 9 ম্যাচ জিতে আর উইন রেট 81.80। সৌরভ গাঙ্গুলি না কুল 5 ম্যাচ হারে আর লোস্ট রেট 55.55, এম এস ধোনি না কুল 4 ম্যাচ হারে আর লোস্ট রেট 28.60, বিরাট কোহলি না কুল 2 ম্যাচ হারে আর লোস্ট রেট 50, পর রোহিত শর্মা না কুল 1 ম্যাচ হারে আর লোস্ট রেট 9.10। সৌরভ গাঙ্গুলি না একবার রানার্স আপ রে হ্যাঁ, এম এস ধোনি না দুবার এশিয়া কাপ টাইটেল জিতে আর একবার রানার্স আপ রে হ্যাঁ, বিরাট কোহলি 0, পর রোহিত শর্মা না দুবার এশিয়া কাপ টাইটেল জিতে হ্যাঁ। गाइस अकॉर्डिंग टू स्टेट्स आपको क्या लगता है ओवरऑल बेस्ट प्लेयर कौन है कमेंट में बताइए, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।